स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बनाएंगे पैटीज। तो पैटीज बनाने के लिए हमने आलू ले लिया है। हमने दो आलू को कटिंग करके बॉयल करके ले लिया है और वीडियो का पार्ट वन पार्ट टू बनेगा। पार्ट वन में आपको देखने को मिलेगा पैटीज कैसा बनाया जाता है वो देखने को मिलेगा और पैटीज के साथ जो छोले का सब्जी खाया जाता है तो वो पार्ट टू में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम आलू को ग्रेट करके ले लेते हैं। ये हमने दो आलू बॉइल करके लिया, ये हम अच्छी तरह ग्रेट करके पहले ले लेते हैं अच्छी तरह ग्रेटर का मदद से। और हमारा चैनल में जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जब भी मैं नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलिए पहले हम आलू को अच्छी तरह ऐसा ग्रेट करके ले लेते हैं। तो आलू हमने ग्रेट करके ले लिए हैं आप देख सकते हो और हमें लगेगा ग्रेट। तो हमने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, ये हमने तीन ब्रेड लिया है। देखिए ब्रेड का स्लाइस तीन लिए है। तो इसे हमें क्या करना है, एक थाली में पानी लेना है। तो एक थाली में हमने पानी ले लिया है, पानी के अंदर ब्रेड को जस्ट भिगोना है फिर उठाना है, ज़्यादा टाइम रखना नहीं है, भिगोना है उठाना है। उठा के ऐसा आप अच्छे से दबा के उसको पानी निकाल देना है। देखिए ये पानी ऐसा निकाल देना है। तो देखिए तो हमने जो आलू का ग्रेट करके रखा है इसके अंदर हम ब्रेड डाल देते हैं और भी हम सेम प्रोसेस में और भी एक हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए जस्ट ऐसा भिगोना है ब्रेड को, भिगो के इसका पानी ऐसा निकाल देना है। देखिए चलिए ऐसा सेम प्रोसेस में और भी एक हम कर लेते हैं। तो ब्रेड का स्लाइस हमने भिगो के ले लिया है और इसमें हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक हम ऐड कर देते हैं, कर दिए हैं। और थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर ये भी हम डाल देते हैं। तो ये डाल के अच्छी तरह इसने मिक्स करना है, इसी के साथ में आलू के साथ में अच्छी तरह मिक्स करना है। वह हाथों की मदद से ऐसा मिक्स कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो आलू और ब्रेड का मिक्स हमने अच्छे से कर लिया है। तो ये अब हम साइड कर देते हैं। देखिए ये हमने एक डो जैसा बना लिए हैं। तो आलू ब्रेड का मिश्रण हमने तैयार करके साइड में रख दिए हैं और अंदर टॉपिंग के लिए हमें चाहिए ये देखिए ये हमने चने का दाल लिया है। चने का दाल हमने बॉयल करके ले लिया है, हमने ओवरनाइट भिगो के रखे थे उसके बाद हमने एक सीटी लगा के उबाल के ले लिया है। नहीं तो आप स्टोव में भी पकाओगे तो 5 से 10 मिनट लगेगा पकने को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए ये बॉयल किया हुआ हमने ले लिया है। तो इसके साथ हम थोड़े मसाला मिक्स करते हैं। तो मसाला में देखिए ये लिए हैं लहसुन, लहसुन को हमने एकदम बारीक चॉप करके ले लिए हैं, ये हम डाल देते हैं। ये हमने 3-4 कलियाँ लहसुन लिए हैं ये डाल देते हैं। और लिए हैं हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को भी हमने एकदम पतला पतला स्लाइस करके काट के ले लिए हैं तो ये भी हम डाल देते हैं। और ये है अदरक, अदरक को भी हमने एकदम चॉप करके ले लिया है, बारीक चॉप करके ले लिए हैं ये भी हम डाल देते हैं। ये हमने 1/2 इंच अदरक लिए है। और ये लिए है ऑनियन, ऑनियन हमने एक छोटे साइज का ऑनियन लिया है तो उसको एकदम चॉप करके ले लिए है आप देख सकते हो, एकदम बारीक बारीक चॉपिंग करके ले लिया है, ये भी हम डाल देते हैं इसके साथ। ऑनियन भी डाल दिए हैं और जाएगा ये हरी धनिया, हरी धनिया थोड़ी सी हम डाल देते हैं ऊपर से ऐसा, ये हम डाल दिए हैं।
और हमें लगेगा, ये देखिए, ये है सूखी लाल मिर्च का पाउडर, ये हमने आधा टेबलस्पून से भी कम लिया है। आप आपके हिसाब से तीखा डाल सकते हो। हमने ग्रीन चिल्ली भी डाला है इसलिए हमने थोड़े से डाला है। और हमें लगेगा चाट मसाला, ये चाट मसाला भी हमने आधा टेबलस्पून से भी कम लिए हैं। तो ये हम सारे दोनों डाल देते हैं और डाल के हम स्वाद अनुसार नमक भी डालते हैं। इसमें ये स्वाद अनुसार नमक डाल दिए है, नमक देख के डालना है क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है। तो ये हम डाल के अच्छी तरह सारे चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये जो अंदर का जो टॉपिंग जाएगा, ये जितना आप अच्छी तरह बनाओगे इसको स्पाइसी, उतना टेस्ट अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हमने ये सब डाला है। तो जब आप खाओगे ये सब मुँह के अंदर जब जाएगा टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। तो आप लोग घर पर जरूर ऐसा एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है। जैसा आप लोग ठेला गाड़ी में बाहर खाते हो वैसा ही सेम बनेगा। तो आप लोग ये घर पर भी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बनाना बहुत ही इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए ये हमारा मिक्स हो गया है। तो इसमें थोड़ी सी आप भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, हम भी थोड़ा सा डाल रहे हैं। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ऐसा। तो अंदर का स्टफिंग तो हमारा तैयार हो गया है, ये हमने रखा है साइड पे। और ये जो हमने आलू और ब्रेड का जो मिश्रण बना के रखा था, इसका एक पेड़ा जैसा लेना है हमें, इतना सा ही, ये देखिए, ये लेके थोड़ा सा तेल हाथ करना है। इसी तरह तेल हाथ करके ऐसा गोला कीजिएगा और इसी तरह देखिए दिल वाला शेप में ये मिल जाता है बाज़ार में, ज़्यादा भाव भी नहीं लेते हैं, एकदम कम भाव में मिलता है, ये बाज़ार में मिल जाते हैं। तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो नहीं है तो आप ऐसा गोल करके भी बना सकते हो, ऐसा गोला बना के भी बना सकते हो। तो हमने दिल का शेप दे रहे हैं, तो देखिए ये हमने ऐसा बाटी जैसा बना लिए है। और इसके अंदर हम ये चने का दाल जो हमने मिश्रण बनाया था ये हम डाल देते हैं अंदर। ये डाल के अच्छी तरह ऐसा मोड़ देना है, ये देखिए ये हमने मोड़ दिया है और इसी तरह गोला बना दिए हैं टेढ़े जैसा बना के। ये जो शेप है इसके अंदर आप डाल दीजिए, ऐसा डाल के ऐसा दबा दीजिएगा, देखिए ये दबा दीजिएगा, जो ज़्यादा है वो साइड से निकल जाएगा, देखिए ये साइड से ये निकल गया है साइड का। अभी इसे धीरे धीरे ऐसा प्रेस करना है, देखिए धीरे से प्रेस करना है, ये निकल गया है, देख सकते हो, देखिए कितना बढ़िया बना है, देखने में कितना सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हो आप। तो इसी तरह बनाना रहता है। तो आपके पास ये साचा सामग्री नहीं है तो आप ऐसा गोला बना सकते हो, ऐसा एक बना के हम दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा ऐसा गोल बना के इसके अंदर चने का दाल का स्टफिंग डालने का, ऐसा डाल के आप पेड़े जैसा ऐसा बना सकते हो ऐसा गोला, देखिए इसी तरह ऐसा गोल गोल शेप आप दे सकते हो, देखिए ये हमने दिया है जैसा, ऐसा आप बना सकते हो। तो चलिए हम इसी से बना लेते हैं इसी तरह पूरे। तो आप देख सकते हो ये हमने बना लिया है इतना। तो अभी हम रेस्ट के लिए रख देते हैं फ्रिज के अंदर 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे सेकेंगे, मतलब डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो ये 5 मिनट हो गया, सेट हो गया है हमारा, देख सकते हो। और गैस हम चालू करके एक पैन रख दिए हैं, अभी हम डाल रहे हैं एक एक करके, देखिए इसे इसी तरह हम शैलो फ्राई करेंगे। जितना आता है वो हिसाब से आप डाल दीजिएगा और गैस का फ्लेम एकदम
मीडियम पे रखिए, तो थोड़े टाइम में पक जाता है। तो अब हम पलट रहे हैं, देखिए इसी तरह पलट देते हैं। एकदम लाल करके एकदम सैलो फ्राई करके लेना है हमें। आप देख सकते हो एकदम तैयार हो गया है, ये देखिए। अब हम प्लेट में एक एक निकाल के ले लेते हैं इसी तरह, ये देखिए ऐसा। और देखा ना आप, ये बनाने में बहुत ही ईजी है और फटाफट बन भी जाता है। तो ये हमारा फास्ट पार्ट। तो फास्ट पार्ट में तो आपने देखा है ये हमने कैसा बनाया है। तो ये इधर ही हमारा फास्ट पार्ट का एंड है। तो आप लोग ऐसा बनाइए। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा एंड हो गया है, और सेकंड पार्ट के लिए देखते रहिए हमने इसके साथ छोले का सब्जी कैसा बनाया है, ज़रूर देखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। हमारे साथ हमारा ये रेसिपी देखने के लिए आप सबको शुक्रिया।